वेलकम टू माय चैनल ममाज़ किचन में। आज मैं आपको एक हेल्दी और बहुत टेस्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ। यह है फ़िश के एग की करी की रेसिपी है ये। फ़िश के एग को पहले मैंने पकौड़े बनाए हैं। उस पकौड़े की रेसिपी जो है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसे बनाएं खाएं और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। अगर रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज काट लिए थे, अब हम प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही भूनेंगे। हमारा प्याज जो है हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो को मैंने मिक्सर में ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, और जब मैंने ब्लेंड किया था उसमें 3 हरी मिर्च भी डाल दिए ताकि सारी चीज़ें पीस पिस जाए। अब इसे भी हम और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे नमक एज पर टेस्ट। अब हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब हम इसे और अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाएं। जब तक तेल नहीं छोड़ देते मसाले तब तक हम इसे पकाएंगे। हमारे जो मसाले हैं पक चुके हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटोज। ये जो पोटैटोज हैं, ये मैंने 2 पोटैटोज जो हैं उनको हाफ मैंने बॉईल किया था, अब इसमें डालेंगे। अब पोटैटोज को पूरा फुल विशल ना लगाएं, ना पकाएं, हाफ उसको विशल लगा के पीस इसमें काट लें। अब हम मसाला को अच्छी तरह से आलू में मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं आलू में भी चले जाए। अब हम इसी तरह से इसे और 4 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हमारे जो आलू है लगभग पक चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं पानी, तो अगर ज़्यादा थिक चाहिए तो ज़्यादा पानी ना दें, और अगर आपको पत्ता चाहिए तो पानी ज़्यादा दे दें। ठीक है, तो अब हम इसे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के, और जो फ्लेम है फ्लेम आप हाई कर दीजिएगा। 5 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम इसे अभी ढक्कन हटाएंगे। काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लिया है पोटैटोज ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पकौड़े हैं, फिश के पकौड़े, इसे हम ऐड करेंगे इसमें। इस रेसिपी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको ये फ़िश के पकौड़े जो है कैसे बनाना होता है। मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है। मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब हम इसमें फाइनल टच देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें किचन किंग का, और हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च। ये स्पाइसी नहीं होता है, जस्ट फॉर कलर। ठीक है, टेक्सचर के लिए मैंने ऐड किया है इसमें।
अब हम इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे और इसे और 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे, ताकि हमने जो अभी पानी ऐड किया है वो भी इनमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ग्रेवी जो है थोड़े थिक हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ये रेसिपी रेडी है या नहीं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, अभी ये अभी बन के रेडी है। अब हम इसे एक डिश में सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एग फिश करी है ये अभी फिश एग करी है ये बन के रेडी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ, धनिया का पत्ता ऊपर डाल देंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।